कहते हैं निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आजकल हम भी याचना करते हैं मुझे अच्छा पति प्राप्त हो, मुझे अच्छी पत्नी प्राप्त हो। बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र बताओ मेरा विवाह नहीं हो रहा है, जपे मुझे अच्छा वर मिल जाए। महाराज जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई पूजन बताओ हम करें अच्छी पत्नी मिल जाए। ठीक है मांगना चाहिए, हर व्यक्ति अच्छे की तलाश करता है, लेकिन इस चौपाई से मुझे सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। जानकी जी ने यह नहीं कहा है कि हे मैया मुझे अच्छा पति प्राप्त हो जाए, क्या कहा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। श्री सीता जी कहते हैं हे गौरी हे अंबिके हे गिरिजा जैसे मैं हूं ऐसे मुझे पति प्राप्त हो, यह अच्छी मांग है, ये ऊंची मांग है। हम कक्षा फेल हैं, कक्षा पांचों नहीं पास है, ककहरा नहीं आता है, और हम भगवान से कहे हे भगवान MBBS वाली लड़की से हमारा विवाह हो जाए, तुम्हारी मांग नहीं मूर्खता है। यह हमको ठीक से रोटी बनाना नहीं आता है, झाड़ू लगाना नहीं आता है, चिट्ठी पढ़ाने अलग जाते हो है, और सोचो कि हमारा DM साहब से विवाह हो जाए तो भी गलत है। मांग ऐसी हो जैसे हम हैं। जानकी जी ने यह नहीं कहा मुझे अच्छा पति चाहिए, सुंदर चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, ज्ञानी चाहिए, विद्वान चाहिए, करना हमको ऐसा पति चाहिए जैसे मैं हूं ऐसे निज अनुरूप मेरे अनुसार मुझे चाहिए। तो भगवान ने मैया ने जोड़ा लगाया है, और जब हम उल्टी सीधी मांग करते हैं तो मेरी मांग पूरी नहीं होती। और इधर राम लक्ष्मण जब पुष्प तोड़ रहे हैं, एक सखी उस छोड़ करके पूजन को और बगीचे में भ्रमण करने के लिए, उसने राम जी को देखा, उसने देखा कि श्री राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं और बाएं हाथ से निकाल के रख रहे हैं, और जैसे श्री राम जी को देखा दीवानी हो गई, पागल हो गई, बेचैन हो गई, क्योंकि श्री राम जी की ऐसी आभा प्रभा शोभा सुषमा कांति सुंदरता दिव्यता पावनता है ना, एक बार जो देख लेता उनकी मुस्कुराहट को वो जन्म जन्मांतर के लिए दीवाना बन जाता है। ऐसे श्री राम जी भगवान की ऐसी मोहिनी झांकी है, ऐसी अलौकिक शोभा है, ऐसी उनकी दिव्यता है, एक बार जो देख ले उसका हो जाता है। और सुंदर उसे कहते भी हैं, हम आप कोई गोरा व्यक्ति हो ना उसे कहते हैं सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। सुंदर की परिभाषा क्या है, सुंदर है क्या, सुंदर कहते किसे है? गोरी चमड़ी वाले सुंदर नहीं होते, सुंदर उसे कहते हैं कि एक बार उसको देखने के बाद, ध्यान देना, एक बार उसको देखने के बाद दूसरे की फिर देखने की इच्छा ना हो उसे सुंदर कहते हैं। एक बार आप क्रोध में हो उसके सामने जाओ वो तुम्हें देख करके मुस्कुरा दे, आपका क्रोध शांत हो जाए, उसे सुंदर कहते हैं। ये सुंदरता, ऐसे श्री राम जी सुंदर है। और वो पागल हो गई, और पागल होकर सखीरी दुई लाल उमरिया अब ही बचपन की बदन के सर पे मुकट सुनहरा है, एक सावल एक गोर बदन के सिर पे मुकट सुनहरा है, गले के काम पील के धोती
नयन का चेहरा है, गले का मन की धोती और पतियन का सेहरा है। नहले सिनवा पे काले काले बाल अब ही बची सकती। नहले सिनवा पे काले काले बाल तुम्हारी अब ही बचे सकती। Oh, my dear, I'm a little bit of a